बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। 12वां विशाल गणेश उत्सव होने जा रहा है हमारे कमला नगर बलकेश्वर के राजा का, जिसमें हम लोग धार्मिक आयोजन कार्यक्रम वगैरह सब करते हैं। हमारा मेन संदेश होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों को जोड़ के एक भाईचारा कायम करें। हम भारत में रहते हैं, कोई जातवाद से मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहें, भारतवासी हैं, भारत देश के हैं, इसलिए हमारी सबसे अपेक्षा है कि इस गणेश उत्सव पर सब आए, सब अपना सम्मान पाए, गणेश जी के दर्शन करें, अपना आशीर्वाद लें। डे बाई डे जो है प्रतिदिन यहाँ पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम तो करते ही हैं और कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजन है, इस बात का हमेशा ध्यान रखता है और उस गरिमा को हम कोशिश करते हैं मेंटेन रहे। और जिस तरह से मंगलवार के दिन से हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, उसके बाद दूसरे दिन राधा अष्टमी का कार्यक्रम है, फिर खाटू श्याम जी के भजन संध्या का कार्यक्रम है, फिर उसके बाद 1100 दीपक की 11 ब्राह्मणों द्वारा महाआरती का आयोजन किया जाएगा और 9 तारीख को जो है विशाल जागरण जो हर साल हम करते हैं उसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें पटना और बड़ी दूर दूर के सिंगर हमारे आ रहे हैं। और उसके अलावा जो है मेन हमारा जो है भंडारा, जो हम 10,000 लोगों का भंडारा आयोजित करते हैं, उसमें प्रॉपर बैठ के हम प्रसाद लोगों को ग्रहण करवाते हैं। और 12 तारीख को जो है बैंड बाजों डीजे के साथ में नाचते हुए और बप्पा को बधाई देते हुए हम उनको विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। ये हमारे जो है 10 दिन के रोज के कार्यक्रम रहेंगे। ये जो है हमारी इको फ्रेंडली मूर्ति है, वातावरण के बिल्कुल भी ये खिलाफ नहीं जाती हमारी मूर्ति। और इसकी जो ऊंचाई है ये 23 फुट है और 5500 किलो वजन है इसका। और ये जौ, मिट्टी, गंगा जल, शहद, गुलाब जल, यमुना जल, गोबर इत्यादि से मिक्स करके बनाई गई है, जो कहीं भी पर्यावरण को खराब नहीं करती, दूषित नहीं करती। और शुरू से, आज से नहीं, जब से ये हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है, हमने हमेशा इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई है और लोगों को भी प्रेरित किया है कि आप पीओपी से बनी मूर्ति ना लाएं, जिससे कि हमारे प्रदूषण से हमारी गंगा जमुना खराब हो या और किसी तरह के प्रदूषण फैले, उससे बचाव का भी एक मैसेज हम देने की हर बार कोशिश करते हैं। और हमारी मूर्ति हमेशा इको फ्रेंडली ही रहती है, ये हमारा पहला लक्ष्य होता है।